सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुआ हुआ आदमखोर। बीते 48 घंटे दो को बना चुका है शिकार, दोनों की हुई मौत। कल ग्राम भगदेही में 14 साल की सीताराम को बनाया था अपना शिकार और रात बीती। कल रात को डगडगा में अपनी झोपड़ी में सो रहे मीला 20 को अपनी झोपड़ी में घुसकर उठा ले गया। तेंदुआ लड़की की चीख पुकार सुन ग्रामीण जागे और तेंदुआ से लड़की को छुड़ाया, लेकिन तब तक युवती ने अपने प्राण गंवा चुके थे। देखिए, वन विभाग को वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश है और ये सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो घटना घटी है ये बीट गणेश मंदिर और डगड़ा ग्राम के अंतर्गत हुई है। जो उनके जिस क्षेत्र में ये घटना घटी थी वो फॉरेस्ट से कम 100 मीटर की दूरी की है, जो कि जंगल के पास ही है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जानवर नॉर्मल करता है नहीं और ये पहुँच गया है और उसको देखा भी गया। रायसेन जिले में दो वन विभाग के दो डिवीजन के अब्दुल्लागंज वन मंडल में आता है सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र। तेंदुआ, बाघ, चीता इन जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ, बावजूद इसके ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों को जरूर कहा गया कि यह अभयारण्य क्षेत्र यहाँ से चले जाओ, जो लोग सदियों से इन जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो कहाँ जाए। बीते एक माह में सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों को तेंदुआ ने शिकार बनाया। वन विभाग सिर्फ सतर्क रहने की हिदायत के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण भी इन जंगली जानवरों को नहीं पकड़ा जा सकता। दूसरी वजह, इन जंगलों के जानवरों को ग्रामीण क्षेत्र में आने जंगल में पानी खत्म होना माना जाता है। INCV न्यूज के लिए रायसेन से उमेश खान की रिपोर्ट। स्पैड पे छुड़ाया, लट मार के भगाया उसे। अब लट तो नहीं मार पाए मैंने, बट दौड़े तो छोड़ गए। हाँ, इसके पहले भी घटना घटी क्या वहाँ पे? पहले जानवर को देखा गया क्या वहाँ? जानवर तो कोई जान देखा देखा है। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया आप लोगों की? वो तो जान की कह रहे हैं तो आप बिहार आना, हमारे आज पर आज तहसील की जमीन, तहसील के जमीन मतलब पंजर है वो तहसील लगा है। हाँ, बोला पंजर पर टूड़ा थे। हाँ, ग्राम डगडगा है। हाँ, पुराना पुरानी।